देश की राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन के लोकार्पण के साथ ही आजाद भारत को भारत में ही बनी संसद तो मिली ही है, साथ ही साथ देश को एक भव्य आधुनिक इमारत भी मिल गई। दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों पर अब नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का अनोखा दृश्य दिखता है, यानी नई और पुरानी दोनों संसद यहां मौजूद हैं। नई संसद आधुनिक भारत और पुरानी ऐतिहासिक धरोहर। नई संसद भवन की भव्यता तो बस देखते ही बनती है, इसलिए इसको लेकर लोगों में बहुत कौतूहल है। नई संसद पर अभी बहुत कुछ कहा जाएगा, देखा जाएगा, लिखा जाएगा, सुना जाएगा। पर आप जानते हैं कि डीडी दस्तावेज में तो हम बात करते हैं इतिहास की, दूरदर्शन के और देश के ऐतिहासिक पलों की। तो आज जब बात हो रही है देश के एक नए आधुनिक स्मारक की, तो हम प्रसार भारती आर्काइव्स से आपको दिखाते हैं भारत के कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की गौरव गाथाएं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। संसद भवन की नई इमारत के लोकार्पण से पहले सेंगोल शब्द कितने भारतीयों ने सुना था? शायद मुश्किल से 1% लोग भी नहीं जानते थे जिन्हें सेंगोल के बारे में कोई जानकारी होगी। पर अब तो पूरा देश ये जान गया है कि न्याय और राजधर्म के साथ सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है सेंगोल, जो वास्तव में गुलाम हिंदुस्तान और आजाद भारत के बीच एक कड़ी था। आजादी के बाद उसे छड़ी बनाकर प्रयागराज के नेहरू स्मारक में रख दिया गया था। नई संसद भवन के लोकार्पण से सेंगोल के साथ साथ लोग चोल राजवंश की भी चर्चा कर रहे हैं, उस चोल राजवंश की जिसका प्रभाव और विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक से लेकर आज के श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया आदि तक फैला हुआ था। वो चोल साम्राज्य जिसने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक लगभग 450 से अधिक वर्षों तक शासन किया, लेकिन दुर्भाग्य से आजाद भारत के इतिहास में 4.5 पन्ने भी इन्हें इतिहास की किताबों में ना मिले। आजादी के बाद हमारे इतिहासकारों के किताबों में आक्रमणकारी मुगलों की शान में कसीदे तो थे, खूब पढ़ने को भी मिले, लेकिन यह नहीं पढ़ाया गया कि चोल राजाओं की नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने समस्त बंगाल की खाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इतनी विकसित नौसेना चोलों की सामरिक दूरदर्शिता और शक्ति का परिचायक थी। चोल राजाओं द्वारा बनाए गए वृद्धेश्वर, राजराजेश्वर, गंगईकोंड, चोलपुरम आदि मंदिर स्थापत्य और वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाते हैं चोल राजवंश के दौरान बनाए गए मंदिरों की बेहद उन्नत स्थापत्य किला को दिखाती डॉक्यूमेंट्री का एक अंश। In about 850 AD, a Chola chieftain named Vijayalaya took control of Thanjavur and ushered in an era of unsurpassed prosperity and grandeur in Tamil Nadu. The largest and most impressive temples of South India were made under the Cholas. At Narthamalai, located on top of a hill, amidst the great beauty of nature, is a 9th century temple. An inscription names it as the Vijayalaya Cholishwara Temple. It may have been made under Vijayalaya Chola or by the Muttaraya chieftains before his rule. The temple is dedicated to Shiva and faces west. Dwarapalas or guardian figures
are made at the entrance to the Ardha Mandapa or hall. They stand half-turned in the manner established in the Pallava period. One hand displays the gesture of vismaya or wonder. Indeed, it is a sense of wonder which fills the art of this period. The temples are made with a jewel-like perfection. The temple itself and every sculpture on it serve to take us away from the mundane concerns to a world filled with a sense of the wonder of all of creation. A temple which marks the extraordinary quality of early Chola sculpture is the Brahmapurishvara at Pullamangai. The temples of this period were not very large. The purpose was not to inspire awe through size and grandeur. It was to take us to the world of gentleness, which can be found within us. The grace of the figures and their profoundly peaceful expressions awaken a sense of the sublime. The figures are fully occupied with the miracle of creation and the sense of stillness which comes from this absorption. Shiva's Ganas are the persons who were most devoted to the Lord. They have won the right to be perpetually close to Him. The dwarfs that are represented in temples are the souls of the individuals who were greatly devoted to their Lord, and they have come nearer to God, and they have achieved the state where they will remain always in the company of the God, and they are happy, dancing, singing, and that is the reflection of the human aspiration and human soul which has reached the status of divinity. Ganas are some of the finest expressions of Chola art. In Indian art, the entire range of emotions and human life is given a place, be it glee, sorrow, or mischief. अधिकांश चोल राजा भगवान शिव के उपासक थे। चोल शासकों के बनवाए गए बृहदेश्वर मंदिर में 12 फीट ऊंचा शिवलिंग है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। ये दुनिया में पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला ऐसी अद्भुत है कि इसके शिखर यानी गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। शिखर पर लगे पत्थर कुंभम का वजन 80 किलोग्राम है, माफ कीजिएगा 80,000 किलोग्राम है, जो कि एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। मंदिर के शिखर तक 80 टन वजनी पत्थर कैसे ले जाया गया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। स्थापत्य कला के जानकार आज भी हैरान हैं कि उस काल में ऐसा मंदिर कैसे बनाया गया होगा। In the year 1010, Rajaraja Chola completed the tallest and largest temple which had been made in India. The Brihadishvara, dedicated to the great Lord Shiva, was made to express his own power and military might as much as the grandeur of the Lord. The temple is 5 times the size of previous Chola ones, and its Vimana or tower stands 216 feet tall. Its monolithic stupi or crowning element weighs 80 tons, and it is believed that an earthen ramp 6 kilometers long was made to take it up to its position.
Rajaraja had greatly expanded his empire in all directions, including to the island of Sri Lanka. The temple was made to celebrate his achievements. Rajaraja gave generous endowments of land and finances to run the large administration of the temple. We see here the beginnings of the temple as a great center of the cultural activities of the community. 400 dancers were brought from 91 temples all over the empire to dance in the temple complex. Great entrance gopurams were made. These paved the way for the later development of entrance gateways as the predominant architectural feature of Tamil temples. The Dwarapalas made here lack the sense of spontaneous movement seen in earlier Chola and Pallava art. There are two levels of niches made around the Vimana. The lower tier mainly contains representations of Shiva, including several dancing icons. The upper tier presents many images of Shiva as Tripurantaka, the form in which he destroys the forts of three demons with a single arrow. This image may have been favored by Rajaraja as a symbol of his military might. The figures are less naturalistic in their poses and expressions. The projection of grandeur and the scale of the temple appear to have overtaken the personal feeling and the importance of sculpture. एक हजार वर्ष पुराने वृद्धेश्वर मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। वैसे भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। आज डीडी दस्तावेज में प्रसार भारती आर्काइव से आपको भारत के ऐसे ही कुछ और विश्व धरोहर स्मारकों पर बने कार्यक्रमों के कुछ हिस्से दिखा रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की भव्यता इस बात की गवाह है कि हमारे पूर्वजों को विज्ञान और गणित का कितना गहरा ज्ञान था। भारतीय उपमहाद्वीप उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर मंदिर की वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। सूर्य मंदिर को एक तरह से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधा गर्भगृह और भगवान की मूर्ति के चरणों पर पड़ती हैं। कई और रहस्यों से भरा है सूर्य मंदिर। खूबसूरत समुद्री तट और यहां की समृद्ध संस्कृति जैसी चीजें ओडिशा के कोणार्क को भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में भी एक बनाती हैं। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर जीत के बाद राजा नरसिंह देव ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस मंदिर में आक्रमणकारियों की लूटपाट से मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन में एक बार फिर सूर्य मंदिर की खोज की गई। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरती है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है। इस रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का डायामीटर लगभग 3 मीटर का है। ये पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। इन पहियों को आप इंडियन करेंसीज पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इस रथ में 7 घोड़े भी हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। प्रवेश द्वार पर एक और चीज है जो सबका ध्यान आकर्षित करती है, और वो है द्वार के दोनों तरफ बनी ये मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है।
इन मूर्तियों के जरिए मानव जीवन की समस्याओं को अनोखे तरीके से पेश किया गया है। यहाँ सिंह गर्व का प्रतीक है, जबकि हाथी संपत्ति का। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि गर्व और संपत्ति मानव का विनाश कर देते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था, लेकिन पिछली 8 शताब्दियों में समुद्र से इसकी दूरी बढ़ती चली गई। कहा जाता है इसके लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नाम की नदी भी बहा करती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। नदी के वहां होने को भी प्रमाणित किया जा चुका है। मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती है कि इसके निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाए। मुख्य आर्किटेक्ट बिसु मोहराना के बेटे धर्मपदा ने मंदिर के निर्माण को पूरा किया, लेकिन मंदिर के पूरा होने पर उसने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। कोणार्क मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य है कि मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादरों और चुंबकों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मुख्य मंदिर की चोटी में 52 टन चुंबकीय लोहे को भी लगाया गया था। इन विविध चुंबकों के अनोखे समायोजन के कारण से ही मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में झूलती थी। बताया जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने इस चुंबक को मंदिर से निकाल लिया, क्योंकि इस चुंबक के कारण नौका चालन में कठिनाई होती थी। इस मंदिर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, Here the language of stone surpasses the language of man. यहाँ आने के बाद ये कथन एकदम सही लगता है। इतिहास और जबरदस्त नक्काशी के शौकीन पर्यटकों के अलावा यहाँ उनके लिए भी बहुत कुछ है जो यात्रा में कुछ खास और रोचक की तलाश करते हैं। साथ ही आप चाहें तो यहाँ होने वाले कोणार्क डांस फेस्टिवल का भी लुत्फ दिसंबर के महीने में आकर उठा सकते हैं। खुजराहो मंदिर अपनी कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की खूबसूरत चित्रकारी पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। इसके अलावा ये मंदिर प्राचीन काल के इतिहास और संस्कृति की गवाही भी देता है। जानकारी के अनुसार ये शहर कभी सिर्फ खजूर के पेड़ों से ही घिरा हुआ था, शायद इसलिए इसका नाम खुजराहो पड़ गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसका नाम खजुरावाहक बिच्छू वाहक से रखा गया, जो भगवान शिव का एक प्रतीकात्मक नाम है। खजुराहो मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इतिहासकालीन इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के दौर में किया गया। ये शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रदेव वर्मन थे। चंद्रदेव वर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के इन मंदिर समूहों में सबसे विशालतम ये है कंदारिया महादेव मंदिर, जो अपनी भव्यता के लिए खास तौर से जाना जाता है। पश्चिमी समूह के इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने कराया था। नागर शैली में बने इस शैव मंदिर का निर्माण लगभग 1050 ईस्वी में कराया गया था। ये पूरा मंदिर उत्कृष्ट बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि इसका प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट पत्थर से बना है। प्लेटफॉर्म से मंदिर 30.5 मीटर ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई 35.5 मीटर है। क्या आप जानते हैं कि कंदारिया मंदिर को बनाने में किसी भी तरह के चूने या गारा का इस्तेमाल नहीं हुआ है? दरअसल इस मंदिर को बनाने में भारी पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें चूने या गारा से जोड़ने की बजाय काटकर एक दूसरे पर बैठाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर जहां कुल 646 आकृतियां विराजमान हैं, तो वहीं मंदिर के अंदर 226 आकृतियां बनी हैं। मूर्तियों की ये संख्या यहाँ बने सभी मंदिरों में सबसे अधिक है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में सिर्फ कामुक मूर्तियाँ पाई जाती हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 10% मूर्तियां ही यहाँ मैथुन की हैं, जबकि बाकी 90% मनुष्य के दैहिक जीवन पर आधारित हैं, जिनमें किसान, संगीतज्ञ और महिलाओं को दर्शाया गया है। इसके मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। भारतीय प्राचीन कला प्रदर्शन का सजीव उदाहरण पेश करते इस मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा यानी गुफा के समान प्रतीत होता है। यही कारण है कि इसका नाम कंदारिया महादेव मंदिर पड़ा है। मैथुन मूर्तियों से अलंकृत इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक भी कामुक मूर्ति देखने को नहीं मिलती। इसके प्रवेश द्वार की एक खासियत ये भी है कि ये एकल पत्थर से बनी माला से सुसज्जित है। मंदिर की विशाल संरचना खड़ी पहाड़ी के आकार में है, जो मेरू पर्वत का प्रतीक है। ये मंदिर 5 भागों वाली वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया है, जिसमें मुखमंडप, अर्थमंडप, महामंडप, अंतरालिका और गर्भगृह शामिल हैं। इन सभी मंडपों के अपने अपने श्रृंग हैं, जो गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए मुख्य शिखर पर आकर समाप्त होते हैं। ये मुख्य शिखर समरस आकृति के 84 लघु शिखरों का संयोजन है। ये समरसता मंदिर को अनुपातिक सुडौलता प्रदान करती है, जिसके चलते मंदिर के आकार में एक विशेष लय देखने को मिलती है। भारत की अति विकसित संस्कृति का उदाहरण पेश करती स्थापत्य की इस विधा के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। तो सोच क्या रहे हैं, अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक खजुराहो को देखने के लिए निकल चलिए मध्य प्रदेश की ओर। कर्नाटक राज्य का शहर हम्पी अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह शहर विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों का साक्षी है। इतिहास में लोगों ने कई कारणों से इस जगह को बेहद पवित्र माना है। शिव पार्वती की कहानी के अलावा हिंदू महाकाव्य रामायण में पंपा क्षेत्र का भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि वानर साम्राज्य किष्किंधा, जहां राम जी भगवान हनुमान से मिले, यही नहीं, यहां के हेमकुंटा पहाड़ी 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मंदिरों से सुशोभित है। यहां के मंदिर ज्यादातर शिव और पार्वती को समर्पित हैं। उत्तरी हम्पी में हनुमान मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यहीं रहा करते थे। आइए जानते हैं हम्पी के बारे में कुछ और जानकारी प्रसार भारती आर्काइव्स की इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। दिस वॉज विजयनगर, द सिटी ऑफ विक्ट्री एट हम्पी इन कर्नाटका। Here on the banks of the Tungabhadra arose the last of the great Hindu empires, known far and wide for the greatest of its rulers, Devaraya II, Krishna Devaraya, and his successor Achyuta Devaraya. The earliest references to Hampi, however, find their roots in Hindu mythology. This was believed to be Pampapura, a sacred site where goddess Parvati invoked Pampapati, an incarnate of Shiva. Later references are found in Ramayana, where Hampi is associated with Kishkindha, the domain of the monkey chiefs Sugriva and Vali. Of the 5 main rocky hillocks at Hampi, the Matanga Parvata and the Malayavanta Parvata are of particular significance. According to legends, Sugriva is believed to have sought refuge in the Matanga Parvata after being overthrown by Vali, while Rama and Lakshmana broke their journey in their search for Sita at the Malayavanta Parvata, and an ancient Raghunatha temple stands atop the hillock. A cave near Pampasarovara is believed to have been Shabari's. Curiously enough, the hillocks are populated with crowds of langurs. It was on such terrain then that the Vijayanagar Empire was established. The founding of the empire in 1336 by 2 princes of the Sangama dynasty, Harihara and Bukka, marked the beginning of what can well be termed a Hindu renaissance.
It was a turbulent period in Deccan's history, and the prime intention of founding Vijayanagara was to revive and establish Hindu rule. If one were to equate the extent and influence of the empire to the aim behind the conception, it is evident that the quest was rewarded. Within a span of two decades, the empire extended across the Deccan from coast to coast. Over the 2.5 centuries that followed, southern India was to witness the omnipotence of Vijayanagara, its influence reaching out as far as China and the Arab world. The Boer crest insignia was to be known, respected and envied. The ruins stand today deserted and silent, reminders of a glorious era. तो भारत के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से कुछ स्मारकों के बारे में हमने आज आपको बताया प्रसार भारती आर्काइव्स के माध्यम से। कोशिश करेंगे ऐसी जानकारी आपको और भी मिलती रहे, लेकिन डीडी दस्तावेज में आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।